सूरत के सौदागर वार्ड में स्थित सूरत डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम एजुकेशन संचालित एंग्लो उर्दू हाई स्कूल में आज रोज 26 जनवरी के उपलक्ष में 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य मेहमान के रूप में मुफ्ती मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साहब के हाथों से तिरंगा लहराया गया। आपको बता दें कि आज 26 जनवरी यानी कि 71वां गणतंत्र दिवस आज के इस शानदार मौके पर हर भारतवासी के दिल में देशभक्ति का जो जज्बा है वो छलक उठता है और हिंदुस्तान के कोने कोने हर गली हर मोहल्ले में हर भारतवासी अपने अपने तरीकों से और शानदार तरीके से स्वतंत्र दिन और गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जिसके संदर्भ में आज सूरत शहर में भी जगह जगह पर हर भारतवासी और कई संस्थाएं, कई ग्रुप और कई ट्रस्टों द्वारा 71वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ और उत्साहपूर्वक मनाया गया, जिसके तहत सूरत के सौदागर वार्ड में स्थित सूरत डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम एजुकेशन संचालित एंग्लो उर्दू हाई स्कूल में भी आज रोज 26 जनवरी के उपलक्ष में 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य मेहमान के रूप में मुफ्ती मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साहब के हाथों से तिरंगा लहराया गया। इस मौके पर एंग्लो उर्दू स्कूल के सभी प्रमुख, सभी ट्रस्टीगण एवं मंत्री, मानद मंत्री सहित सभी लोग उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया गया। अस्सलाम वालेकुम, मारो नाम फारूक शफी चांदीवाला छे अने हूँ सूरत डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम एजुकेशन सोसायटी एंग्लो उर्दू हाईस्कूल प्रतिनिधित्व करूँ छूँ, प्रमुख छू अँ। આજનું આયોજન આપણું રિપબ્લિકન ડે જે છે, આજના દિવસે ભારત દેશનું બંધારણ પૂરેપૂરો અમલમાં આવેલું અને ત્યારથી આપણા જે બંધારણના કાયદા કાનૂન છે તે રીતે આપણા દેશનું સંચાલન ચાલે છે એનું દર વર્ષે સેલિબ્રેશન થાય છે, તે સેલિબ્રેશનનો આજે પ્રોગ્રામ છે જેમાં અમારી સ્કૂલના બચ્ચાઓ, ટીચર્સ, બીજા મહેમાનો, અમારા ટ્રસ્ટી મંડળો, ક્લાર્ક્સ, બધા જ પ્યુન બધા હાજર છે આજે અને બધા સેલિબ્રેશન કરી રહ્યા છે। અમારા ત્યાં આજે 85 બાળકોએ ભાગ લીધો અને 15 કૃતિ એ લોકોએ રજૂ કરી। મુખ્ય મહેમાનમાં મુફ્તી મોહમ્મદ કલીમ સાહેબ હતા, બીજા અશોક ચૌહાણ ટ્રાફિક એસીપી સાહેબ હતા અને અમારા બીજા માનવંતા મહેમાનોમાં ઘણા લોકો હતા જે સ્ટેજ પર બિરાજમાન હતા। રિપોર્ટ બાય પરવીન પઠાણ, સમાચાર ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, સુરત।